हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, आज हम ये वेजिटेबल्स नूडल्स स्प्रिंग रोल ट्राई करेंगे देसी सेफ का। तो देखते कि कैसा होता है। ये मुझे पड़ा था, क्या कहते हैं, 160 रुपीज़ का पड़ा था। इससे पहले मैंने प्रसूमा वाले का भी रिव्यू करा था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो ये पैक ऑफ 4 आए थे, तो साइज़ भी इनका देखते हैं कि कैसा होता है कैसा नहीं होता, इसके सॉसेज मिलती है नहीं मिलती है। तो देखिए, मतलब साइज़ में ठीक था, जो नॉर्मली हम खाते हैं स्ट्रीट फूड पे वैसे इतना ही साइज़ था, ठीक है। 4 मिले थे, मतलब मेरे को प्राइस के हिसाब से तो क्वांटिटी देखो कमी लगी, पर यार मतलब रेडी टू कुक है तो क्विक बनने वाली चीज़ है तो इतना पैसा खर्च करना वर्थ है। बाकी टेस्ट में देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता, ठीक है। पर इसके साथ ना कोई सॉस वगैरह नहीं मिली थी, ये एक इनका डिसअपॉइंटेड था कि सॉस इन्होंने नहीं दी थी, सिर्फ स्प्रिंग रोल मिले थे। बाकी चलते हैं इसको डीप फ्राई करने के लिए। और अगर इस वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है अच्छी लगती है मतलब तो लाइक भी कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट रेडी टू गो आइटम हम कौन सा ट्राई करें। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो जल्दी मतलब जल जाएंगे ये, तो फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे। चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। गाइज मैंने स्प्रिंग रोल में मैंने प्रसूमा का भी क्या कहते हैं रिव्यू दे के रखा है, अगर आपको वो वाली वीडियो देखने तो मैं आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। देखो इसमें नूडल्स और वेजिटेबल्स की स्टफिंग भरी हुई थी, खाने में अच्छा था, बाकी बस यही था कि इसके साथ ना क्या कहते हैं कोई चटनी नहीं मिली थी, बाकी अच्छा बहुत था, काफ़ी फ्रेश भी लग रहा था। बाकी आप देखना कि आपको कैसा लगता है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। बाय।